नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितने आसानी से अपना गूगल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं ये टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके। क्या है ये टू स्टेप वेरिफिकेशन, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर हो या मोबाइल पर अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ से क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो क्रोम, जैसे आप क्रोम पर आएंगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ से आप थ्री डॉट का ऑप्शन, यहाँ से जाकर आपको डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ से आपको सर्च करना है, यहाँ से आपको सर्च करना है गूगल टू स्टेप वेरिफिकेशन। ओके कीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे जो सबसे पहला है गूगल टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर जो पहला जो ऊपर में आएगा आपका, आपको बस वहीं पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर कर रहा हूँ तो यहाँ से आपका एक इसी तरह का पेज खुल जाएगा आपके। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है हाउ टू प्रोटेक्ट यू, को यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाता हूँ। आप करने से पहले एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ से आपको दिखा रहा है गेट स्टार्टेड, आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे, और यहाँ से आपको यह गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। चलिए गेट स्टार्टेड में क्लिक कीजिए। जैसे आप गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको आपका अपना ईमेल एड्रेस पूछा जाए। आप अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पर डालिए और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका एक इस तरह से एक पेज खुल जाएगा, वहाँ ऊपर लिखा होगा आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन, यूज योर फ़ोन एज योर सेकेंड साइन इन स्टेप। तो यहाँ से मेरा अपना फ़ोन दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको लिखा है कि डोंट यूज़ प्रमोट, और यहाँ पे आपको लिखा है ट्राई इट नाउ। तो मैं यहाँ से ट्राई इट नाउ पे क्लिक करता हूँ। आप ट्राई इट नाउ पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ से अगर मैं अपना पासवर्ड डाल के अपना ईमेल एड्रेस में लॉगिन करता हूँ, तो अगर मैं जो मोबाइल मेरा रजिस्टर होगा उस मोबाइल पे ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ से मैं अगर नो पे क्लिक करूँगा तो आप पासवर्ड अगर आप मेरे अकाउंट का जान गए हैं तो भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो ये पॉपअप आ जाएगा मेरे मोबाइल में। यहाँ से मैं येस पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर साइन इन अप्रूव होगा, अगर मैं नो पे क्लिक करूँगा तो साइन इन डिसलाइन हो जाएगा। चलिए मैं येस करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं साइन इन अप्रूव ऑलमोस्ट देयर। एड ए बैकअप ऑप्शन, अगर आप अपना जो मोबाइल है उस मोबाइल पे ये सब होने के लिए आपको मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन उस वक्त नहीं है जिस वक्त आप ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल को लॉगिन करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो गूगल यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि एक बैकअप ऑप्शन जो है, जो एक बैकअप ऑप्शन आप ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर यहाँ से आप रख सकते हैं, अगर पॉपअप आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, अगर पॉपअप नहीं आ पाएगा तो आप कैसे लॉगिन करेंगे, तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिला है, हाउ डू यू वांट टू गेट कोड। आप ऐसे टेक्स्ट मैसेज भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप फ़ोन कॉल भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज में क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको सेंड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, एक मैसेज आएगा जिसको आप यहाँ पे आपको डालना है। जो मेरा जो मैंने मोबाइल नंबर डायल किया था वो उस मोबाइल पे मेरा ओटीपी आ गया है, तो चलिए ओटीपी को देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि योर गूगल वेरिफिकेशन कोड इज़ 358534, ये सिक्स डिजिट का एक ओटीपी आएगा, वो सिक्स डिजिट कोड आप यहाँ पे डायल कीजिए। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ से सिंपली टर्न ऑन पे क्लिक करना है। जैसे आप टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल यहाँ पे आ जाएगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन का वॉइस और टेक्स्ट मैसेज का जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये वेरीफाइड भी है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है।
कर सकते हैं gmail.com। आप अगर अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन करना चाहते हैं तो gmail.com, तो यहाँ पे ओके कीजिए। जैसे आप gmail.com का करेंगे, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो सेव है इसलिए आपको दिखा रहा है। तो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालिए। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप अपना पासवर्ड डालिए और साइन इन पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, यह आपका पॉपअप आ गया है यहाँ पे। इज दिस यू ट्राइंग टू साइन इन, डिवाइस भी दिखा रहा है, नियर बाय कहाँ से है वो दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, जस्ट नाउ, ये सब आपको दो ऑप्शन मिलेगा, येस एंड नो, इट्स नॉट मी। अगर कोई दूसरा आपका अकाउंट पे लॉगिन करना चाहता है तो आपको सिंपली न्यू नो पे क्लिक करना है, तो वो जो एक्सेस है वो डिनाइड हो जाएगा। आप अगर खुद कर रहे हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। मैं येस पे क्लिक करता हूँ। येस पे क्लिक करने के बाद आपका जो जीमेल अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जीमेल अकाउंट पे लॉगिन हो चुका है। और यहाँ आपका हमने जो अभी अभी किया ये टू स्टेप वेरिफिकेशन, उसका भी ईमेल हमारे यहाँ पे आ गया है, आप इसका भी देख सकते हैं यहाँ से। तो इसी तरह आप अपने जीमेल अकाउंट को एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी दे सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।